महाराष्ट्र के जल संसाधन मंत्री राम शिंदे ने खुले में पेशाब जाने पर सफाई दी है। शिंदे ने कहा है कि महीने भर से लगातार दौरे करके उनकी तबीयत खराब है, इसलिए उन्हें खुले में जाना पड़ा। राम शिंदे 19 नवंबर को शोलापुर बारशी रोड पर अपने काफले की गाड़ियां रुकवाकर खेत में पेशाब करने उतरे थे। किसी ने उनके वीडियो बनाकर वायरल कर दिया था। संयोग की बात है कि 19 नवंबर को ही वर्ल्ड टॉयलेट डे था। राम शिंदे के वायरल वीडियो को लेकर विपक्षी दलों ने पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा है कि मंत्री को रास्ते में शौचालय नहीं मिला, यही बताता है कि पीएम का अभियान कितना नाकाम रहा। कांग्रेस ने कहा कि राम शिंदे ने खुद साबित कर दिया कि स्वच्छता अभियान सिर्फ शगुफा है और ये शगुफा आम जनता के लिए छोड़ा गया है। मुंबई के पास उल्लासनगर महापालिका की डिप्टी कमिश्नर विजय कंठे एक वीडियो सामने आने के बाद रिश्वतखोरी के आरोप में घिर गई हैं। एक स्टिंग ऑपरेशन में विजय कंठे को सड़क के काम के बदले पैसे की डिमांड करते दिखाया गया है, लेकिन विजय कंठे का कहना है कि वीडियो टेम्पर्ड है और उन्हें बदनाम करने के इरादे से बनाया गया है। महाराष्ट्र प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला देश का सातवां राज्य बनने जा रहा है। ये प्रतिबंध 18 मार्च 2018 को गुड़ी पड़वा के दिन से लागू होगा। महाराष्ट्र सरकार के फैसले के मुताबिक ये प्रतिबंध रिसाइकिल प्लास्टिक को छोड़कर प्लास्टिक से बनी तकरीबन सारी चीजों पर लागू होगा। महाराष्ट्र में 50 माइक्रोन की प्लास्टिक थैलियां पहले से बैन है। जेएनयू से लापता छात्र नजीब अहमद के मामले में 9 संदिग्ध छात्रों के लाई डिटेक्टर टेस्ट पर पटियाला हाउस कोर्ट आज फैसला सुना सकती है। कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर 15 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। ये सभी छात्र या तो जेएनयू के हैं या फिर एबीवीपी से जुड़े हुए हैं। छात्रों ने पॉलीग्राफ टेस्ट का विरोध करते हुए कहा था कि ये सिर्फ उन्हें डराने के लिए किया जा रहा है। नजीब 15 अक्टूबर 2016 से लापता है। दिल्ली में व्यापारी से 5 करोड़ की फिरौती मांगने में अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर अबू सलेम की भूमिका पर आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होगी। कारोबारी अशोक गुप्ता को 2002 में हत्या की धमकी दी गई थी। दिल्ली पुलिस का दावा है कि उसने अबू सलेम का फोन कॉल रिकॉर्ड जुटा लिया है। मामले में सलेम समेत 6 आरोपी हैं, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 108 फीट ऊंची हनुमान मूर्ति को एयरलिफ्ट करके शिफ्ट करने की सलाह दी है। करोल बाग में अतिक्रमण को लेकर एनजीओ की याचिका पर हाई कोर्ट ने सिविक एजेंसियों से कहा है कि मूर्ति को शिफ्ट करने पर एलजी से मीटिंग करके रिपोर्ट दे। कोर्ट ने सिविक एजेंसियों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि दिल्ली में कोई जगह है जहां अतिक्रमण न हुआ हो। दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को सरकारी स्कूलों में जल्द से जल्द रेगुलर टीचर नियुक्त करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने नियुक्तियों को लेकर अपना पुराना आदेश न मानने पर सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि रेगुलर टीचर की जगह गेस्ट टीचर की भर्ती करना फैशन बन गया है। सरकार कोर्ट के आदेश को हल्के में न ले। सरकारी वकील ने कोर्ट में कहा कि ये नीतिगत फैसला है जो एलजी के पास लंबित है। दिल्ली में देश भर से आए किसानों के प्रदर्शन का आज दूसरा दिन है। अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के बैनर तले इस प्रदर्शन को किसान संसद का नाम दिया गया है। प्रदर्शन में 184 किसान संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। किसानों की मुख्य मांगे कर्ज माफी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने को लेकर है। किसान नेताओं ने कल केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी के कई आरोप लगाए। डीडीए ने रोहिणी में बस डिपो के लिए दिल्ली सरकार को 12 एकड़ जमीन हैंडओवर कर दी है, लेकिन दिल्ली सरकार ने और जमीन की मांग की है। दिल्ली में डीटीसी सहित करीब 5,567 बसें हैं, जबकि हाईकोर्ट ने कहा है कि दिल्ली को 11,000 बसों की जरूरत है। इसी तरफ इशारा करते हुए दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि हमें उम्मीद है कि डीडीए और जमीन देगा ताकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम मजबूत बने।